प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर, उप विषय है वर्ण तथा लेखन व्यवस्था, व्याख्यान 1। बच्चों, हमने अपने पिछले अध्याय में भाषा, लिपि, व्याकरण और बोली का अध्ययन किया। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है, सबसे पहले हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। जब हमें भाषा का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद ही हमें वर्णों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि अब बताया गया कि आज हम वर्ण तथा लेखन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों से संबंधित जानकारी हम प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से अपने पिछले अध्याय के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह है जो मानव मुख से उच्चारित करता है, लेकिन लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा का आधार है, अर्थात मानव मुख से निकली उच्चारित ध्वनियाँ ही लिखित रूप ले लेती हैं, जिन्हें लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। अब हमारा आज का विषय है वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण से क्या क्या किया जाता है, अर्थात वर्णों से संबंधित जानकारी हम अपने व्याख्यान 1 में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण व लेखन व्यवस्था। वर्ण। वर्ण बेटा भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और कोई टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात भाषा की वह छोटी इकाई जिसके कोई दूसरे टुकड़े नहीं हो सकते। क्या कहते हैं, मान लो आपकी हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने हैं, 52 वर्ण हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि, अर्थात वर्ण क्या हैं, जैसे हम ए को अलग करेंगे, इसके टुकड़े करने पर इसका कोई दूसरा वर्ण नहीं बनेगा, अर्थात वर्ण क्या है, भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो, जिसका कोई और खंड करने पर कोई अर्थ न निकले। अब आते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। अब वर्णमाला क्या है, जैसे कि हमने बताया कि वर्ण भाषा की छोटी ध्वनि है, अर्थात वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं होते, उन्हें वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, यानी सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई भी एक माला बनाई और उस माला से आपने एक पुष्प को हटा दिया। अब आपने उस पुष्प को हटा दिया, उस पुष्प के हटाने से वह माला दोबारा से क्या हो जाएगी, वो क्रमबद्धता में नहीं रहेगी, उसमें गैप आ जाएगा, अर्थात अंतर आ जाएगा, उसी अंतर से वो वर्णमाला खंडित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए जैसे कि अ के बाद आ, आ के बाद ई, ई के बाद ई, अर्थात हमने अ के बाद ई लिखा, वहां पर हमारी वर्णमाला का क्रमबद्ध समूह नहीं रहा। इसलिए वर्णों के क्रमबद्ध व सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। उसमें दो वर्ण हमारे ऐसे हैं जो उक्षिप्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, जैसे ड और ढ। अब हैं वर्ण के भेद। हमने पहले पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की छोटी इकाई जिसके कोर टुकड़े न हो, और वर्णमाला माला अर्थात पूरा समूह, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अब प्रश्न आता है वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अब जैसे कि बेटा जब हमें वर्ण से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है,
वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। जब हमें पता है कि हाँ यह वर्ण अ आ ई ई हैं, उन्हीं से हम शब्द बनाएंगे और शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। वर्ण के भेद तीन हैं। तीन भेदों में आज हम स्वर, सबसे पहला भेद होता है स्वर को पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर हमारे उच्चारण स्थान यानी हमारा जो मुख है उसके दो उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे कि निचला होठ तथा जीभ। दूसरा क्या है? पहला है निचला होठ तथा जीभ। इन्हीं के द्वारा हमारे मुख से निकलने वाले जो शब्द होते हैं, जो वायु होती है, उनमें रुकावट पैदा होती है और इन्हीं के द्वारा वो बिना रुकावट के बाहर आते हैं। हमारा उच्चारण स्थान क्या है? दो हैं, निचला होठ तथा जीभ। अब स्वर की परिभाषा क्या होगी? स्वर व्यंजन अयोगवा। आपने स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे पिछली कक्षा में भी, लेकिन फिर भी हम अपना अध्याय फिर से पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप बिल्कुल आजाद अर्थात पूरी तरह से, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है या जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं होती अर्थात वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। फिर जान लेते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 होती है और संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 13 होती है। अब कौन कौन से हैं ये स्वर हमारे? अ आ ई ई उ ऊ री ए आए ओ औ। कौन से हैं बेटा? अ आ ई ई उ ऊ री ए आए ओ औ। स्वर के बेटा कितने भेद हैं? संख्या है 11। अब जानते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ण के तीन भेद हैं, स्वर व्यंजन और अयोगवा। मैंने बताया फिर कि अब हम स्वर से संबंधित जानकारी अपने व्याख्यान में पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। फिर इनके भेद कितने होते हैं? स्वर के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष, हर्ष का अर्थ है छोटा, दीर्घ बड़ा और प्लुत होता है दोनों के मेल से जो बनेगा। अब है बेटा हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष, जैसे इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, हर्ष यानी छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अब जैसे मैंने बताया कि स्वरों की संख्या 11 है, अब उनमें भी बेटा दो भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष यानी छोटे, जिनको बोलने में हमें बिल्कुल कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 है, ए ई उ री। आप खुद से भी बोल के देखिए, जैसे अ ई उ री। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दोगुना समय लगे या दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। अब जैसे
दीर्घ क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, दीर्घ यानी दीर्घ का अर्थ क्या है? बड़ा। अब बड़े जो स्वर हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कौन से हैं वो 7 स्वर? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अगला है बेटा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा जैसे कि हर स्वर से तिगुना समय लगे और दीर्घ से दुगुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब क्या परिभाषा होगी? जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर तिगुना व दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ से दुगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, उच्चारण क्या होगा? जैसे ओम। अब देखिए, जैसे आपने हर स्वर को बोला अ, दीर्घ को बोला आ, और अप्लुत का जब उच्चारण करते हो तो क्या हो जाएगा? ओम। अब बेटा आज हमने व्याख्यान एक में वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद और उससे संबंधित अर्थात स्वर का एक स्वर को पढ़ा और स्वर के 3 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न दे रही हूँ, वो आपको अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिख के लाने हैं व पाठ को दोहरा कर लाना है। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इनके कितने भेद हैं? वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? प्रश्न 2 है, स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या लिखिए। प्रश्न क्या है? वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? प्रश्न 2 है, स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या लिखिए। बेटा ये गृह कार्य आपको याद भी करना है और पाठ को दोहराना भी है। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।